हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रुद्र प्रताप ब्लॉग। तो गाइस बेरी हो गई है प्यारी सी, गुड मॉर्निंग गाइस। इधर हमारी गिन्नी बेटी आ गई है स्नान करके अपने ताऊ जी के पास, अपनी ताई जी के पास। और इसके ताऊजू ने लगा दिया है भोले बाबा का डांस, क्योंकि हमारी गिन्नी बेटी नीचे आती तो उसे तो बस टीवी चलनी होनी चाहिए। तो उसने कर दिया कि ताऊजू मेरे लिए टीवी चलाओ, तो ताऊजू ने लगा दिया भोले बाबा का गाना। तो देखो गाइस उसका डांस देखो, उधर मैं रसोई में हूँ तो मेरी तरफ देख रही है कि ताई जी देखो मैं डांस कर रही हूँ। इधर उधर घूम रहा है कपड़े के लिए कि माँ मेरे को कपड़े दो, मैं नहाने जा रहा हूँ। और इधर हमारी गिन्नी मस्त हो रही। गिन्नो आप क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो बताओ? चॉकलेट खा रही है गिन्नी बेटी। तो क्या खा रहे हो? चॉकलेट। अच्छा अपने बाबू को तो खिला दो चॉकलेट, आपका फेवरेट बाबू है ये आजकल, है ना? कैसा बाबू है ये? वाह। और गिन्नी कैसी है? आप वहाँ कहाँ जा रहे हो? आपको मैंने इधर ही खड़ा करा हुआ है ना, आप कहाँ चले जाते हो बार बार? अच्छा और ये बताओ गिन्नी, सुंदर बाबू कौन है? गिन्नी गिन्नी ऐसे करके दिखाना गिन्नू, ऐसे गिन्नू कैसे खाना खाती है? अच्छा बाय कर दो गाइस को, बाय। चॉकलेट खिला दो, चॉकलेट खिला दो गिन्नू सबको। ये सिर्फ अपने बाबू को चॉकलेट खिलाती है, इसका आजकल ये फेवरेट बाबू बना पड़ा है। बाबू को निन्नी कैसे कराते हो गिन्नी आप? चलो बाय कर दो, बाय। गिन्नी लो, ओ लवी मैं खाना, लवी को नहीं खाना, लवी खाएगी 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 गई, गिन्नी ने खा लिया, जल्दी आओ। ओ अच्छा अब आप ही ले गई हो उठा के, इसलिए नहीं खा रही हो। मुझको पता चल गई आप दीदी के साथ लंच करोगे, है ना? कूड़े वाला, तेरे को जो आवाज आए वो कूड़े वाला है? कूड़े वाला नहीं है बेटा, कूड़े वाला ऐसे तो नहीं बोलता है। ऐसे बोलता है कूड़े वाला? कैसे बोलता है? कैसे कैसे बोलता कूड़े वाला? दीदी ये की दीदी। अच्छा ऊपर आना है, आ जाओ उधर से, आओ उधर से, अब जल्दी आओ। दीदी के पास चलो 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 चलो। ओ 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 चल गए। जाओ दीदी के पास, जल्दी जाओ, जाओ दीदी के पास जाओ। ओ ओ ओ ओ ओह ओह चाल देख इसकी, दे दे दे। ओह 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 दीदी के पास चला गया मेरी गिन्नी बेटी। काक ओ ओ दीदी काना काली है। क्या कर रहे हो? क्या माचिच? आपको हमने खूब धूम मचाई शादी में और हो गई है सुबह प्यारी सी गुड मॉर्निंग। सुबह तो खैर नहीं, लेकिन 12 बजे मैंने 12 बजे ब्लॉग शुरू किया, सुबह से मेरे को टाइम नहीं मिला। और इधर मेरी गिन्नी बेटी ने तो कल बहुत डांस करा गाइस, आप देखना आज के ब्लॉग में ना लवी। और खूब खाई है इसने रस मलाई, और वो खूब खाया है इसने गिन्नी बेटी ने हमारी ने। और ये अभी भेलपूरी बनवाई है लवी ने। किसका पेपर है लवी? साइंस का। इधर हमारे ये रुद्र प्रताप सिंह है, रुद्र प्रताप सिंह ने अभी कल डांस नहीं किया। कटोरी से क्यों खाएगा? लो पानी तो। ओ इसकी कटोली गिर गई। हाँ क्या खा ले हो? कटोरी में खाने का टेस्ट नहीं है रुद्र, खाने का टेस्ट उसी में से है।
कटोरी में खाने का टेस्ट थोड़ी नहीं है, इसको आप ऐसे ही खाओ, इसी में से इसी में लेके खाओ तब टेस्ट आएगा। क्या हो गया किन्नी, क्या हो गया? घोड़ा कहाँ घोड़ा, इसको मिर्ची लग रही है अभी, आप मिर्ची नहीं लग रही? तो गाइस इधर हो गई अब शादी की फाइनल रस्म, कंगन खुलने वाली, साथ अब खाओ पियो मौज करो, साथ साथ बोल दो तो फिर वॉइस ओवर करने की जरूरत ही पड़ती ना। धन्य ब्लॉगर, ये है हमारी छोटी बेटी, बोलो हेलो गाइस, बोलो बोलो अच्छे, बोलो हेलो गाइस, ये बोलती है अच्छे हो आप, रोटी खा लो, बोलो बोलो ना, वो कह रही मैं बोलो बोलो बेटा, बोलो कैसे हो आप, बोलो हां बोलो, मेरे पास आ रहा मत बोलो, बोलो अच्छा बोलो, एक बार बोलो बोलो हेलो गाइस, इससे बहुत कोई जिठानी इनके में हुआ कुछ कसाला हुआ तो करना क्या है, यहाँ से ही कैंची से काट के बढ़िया हो गया, बोलो शेर वाली मैया बार बार आ रहा है उधर, इतने काय को यार ढूंस रखा, गर्मी हो रही है इतनी, अरे दीदी ये तो नहीं, अरे अंदर गर्म कितने पहन रखे इसने, एक ही तो है, एक ही है, एक अंदर ये पहन रखा है, एक ये पहन रखा है, ठीक है ठीक है, पसीने नहीं आ रहे, मैंने उंगली डाल के देख लो पसीने आए, जब फल फल रहे तो मैं नहीं आ रही, नहीं है बच्चे के नहीं आ रहे, सर में आ रहे हैं ये हटा दो, ज्यादा एकदम से साफ एकदम से भी हो जाता है बच्चे को, दिक्कत नहीं हो गई थी ना एकदम, क्या पनीर पकड़ ली किसी के सामने आ रही होगी, चलो वेरी गुड, यहाँ बैठा थोड़ी सी इधर हो बेटा, इधर देख यहाँ खड़े ये लो इन्होंने तो कर रखा है कसाला, कसाला मुझे पता था कस के लिए क्या होगी कसाला, वही तो जैसे कसाला कर रखा है इन्होंने, ये करने के लिए कपड़े महंगे हैं तो जैक वाले बेचारे वैसे ही बैठे हैं दुकान खोल खोल के अपनी, ये कड़ी दिन रात।
हो गई गाइस कंगन खोलने की अच्छी सी प्यारी रस्म हो गई, हंसी मजाक भी हो गया देवर भाभियों के साथ में, मतलब अच्छे से हंसी मजाक हो गया सबके साथ। उसके बाद में ये हस्बैंड एंड वाइफ मतलब भैया और ये इनकी वाइफ ये खेलेंगे सेंटी मारना। उसके बाद में ये आपस में दोनों सेंटी मार रहे हैं और ये इनकी दौरानी है, ये इसको मतलब फेंटा को सही कर रही है। तो उसके बाद में ये भाभी मतलब इनकी वाइफ तो हट जाएगी और ये भैया खेलेंगे फिर भाभियों के साथ में। बहुत मतलब गाइस इसमें ना बहुत मज़े आते हैं, इसमें ना मारा पीटी होती है, एक दूसरे के सेंटी मारते हैं पैरों में, ये नहीं देखती लगती है नहीं लगती, लेकिन यही है ना कि शादियों में रस्म होती है तो बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे से बुरा नहीं मानते हैं, मतलब बहुत फनी, मतलब फनी होता है बहुत ज़्यादा, देखने में भी अच्छा लगता है। अब इसके साथ में ये हो गई है अलग, मतलब अब ये अपनी खेलेंगे, अब ये देवर भाभी ये मतलब उनके परिवार में सबसे बड़ी, अब देखो दोनों आपस में हो गई, बहुत अच्छे से दोनों आपस में पिटाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पिटाई हो गई दोनों की। कबड्डी हो गई, इसके बाद में आ गई है इनकी दूसरी भाभी, जो दूसरी भाभी है वो भी मतलब मजे ले रही है इनके साथ में। मतलब घर में जितनी भी भाभियाँ होती है, चाचा ताऊ की मतलब बुआ फूफी की जितनी भी भाभियाँ होती है सबके साथ में ये सेंटी खेली जाती है, और ये ना 7 बार राउंड लगाते हैं, 7 बार के बाद में ये पूरी कंप्लीट होती है। इसके बाद में ये इसकी जो अभी पहली ये आप देख रहे हो ग्रीन सूट वाली, इसकी ये दौरानी है, पहले इसने खेला था जेठानी ने, फिर दौरानी खेल रही है देवर के साथ में। ये इनके चचा ससुर के बेटे हैं। इसके बाद में इनकी अपनी भाभी भी आएगी जो फाइनल मतलब खेलेगी, जिस मतलब जितनी भाभियाँ होती ना सबके साथ में खेलते हैं। अब देखो ये कह रही है मेरे को मारना अनंत भैया, मेरे प्यारों में बहुत लगेगी, प्लीज़ भैया मारो मत मेरे को। अब ये सेंटी हो गई है इनके साथ भी, ये सेंटी पूरी रस्म हो गई है। इसके बाद में आई है इनकी, ये इनकी रियल भाभी है जो तो चाचा की थी, ये इनकी रियल भाभी है, ये दो ही है, मतलब ये इनका सगा देवर है और ये मतलब इनकी सगी भाभी है। अब ये भाभी देवर अपना खेल रहे हैं, ये भी कह रही है कि भैया मेरे साथ मारना नहीं, मेरे को ऐसे ही करना, आराम से करना, प्यार से करना, मेरे को मारना नहीं, क्योंकि ये सब में बजा रहे थे आसानी से, तो वो राउंड लगा रही है और खेल रही है आराम से। मतलब बहुत फनी होता है यार ये शादी ब्याह में ही होता है, और कहाँ वैसे किसी के पास में टाइम भी नहीं है जाने का, ना कोई जाता है ना आते हैं, और फिर शादियों में बहुत अच्छा लगता है मतलब तुझे आपस में। तो ना देखो अब इसने इन्हों भैया ने भी इनके बजा दी, अब ये कह रही है कि भैया आपने तो मैंने मना करा था लेकिन आपने फिर भी मेरे भी बजा दी ये सेंटी पर, लेकिन नहीं गाइज ऐसा कुछ नहीं है, आपस में कोई बुरा नहीं मानता है, सब कुछ खेलते हैं अच्छे से। ये रस्म भी पूरी हो गई है, इन्होंने अपनी भाभी के साथ भी ये रस्म पूरी कर ली गाइज। इसके बाद में अब होगी बहू की मुंह दिखरौनी, जो बहू है उसके साथ में सब उसको दक्षिणा देंगे, मुंह दिखरौनी करेंगे। हाँ अभी इसके साथ में मतलब एक और होगा, ये दुल्हन बैठी हुई आप देख रहे होंगे रेड उसमें दुपट्टे में, ये दुल्हन है। अब एक और भाभी आ गई, ये भी इनके चाचा की है, तो इनके साथ भी खेल। इसके बाद में फिर इस दुल्हन को मतलब सास से डांस कराएगी, मतलब नचाएगी, वो भी एक रस्म होती है। उसके बाद में मुंह दिखरौनी, फिर होगी शादी की पूरी रस्म। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, जो शादी की फनी रस्में आपको अच्छी लगी, तो उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।